हेलो दोस्तों स्लीपी क्लासेस के डेली मेंस आंसर राइटिंग के इनिशिएटिव में आपका स्वागत है आज हम जी एस टू पॉलिटी के डिस्कशन को उठाने वाले हैं तो पॉलिटी के अंदर हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने वाले हैं 2018 के अंदर पूछा गया जनरली हम देखते हैं कि पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी को लेकर कई सवाल यू के मेन्स के अंदर पूछे जाते हैं और उन्हीं में से उसी सिलसिले में से एक ये वाला सवाल भी आपके सामने है there are a lot of questions that are asked regarding parliament parliamentary accountability individual ministers accountability collective accountability kyunki parliament ka bahut bada important role hota hai aur is theme ke across na har year ya har alternate year mein question aata hi aata hai dekhiye ye committees ke upar jo sawal hai ये committees बहुत ज़्यादा important आपको समझनी है कि from the point of view of mains examination है अगर हम बात करते हैं committees के overall किस तरीके से committees पढ़ना है उस चीज़ को अगर थोड़ा सा मैं हाईलाइट करूँ तो दो एस्पेक्ट से पढ़ना है एक तो हमने ये पढ़ना है कि व्हाट इज़ द एज पर द लॉज एंड रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटीज कितने तरह की की होती हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं उसमें चेयरमैन कैसे अपॉइंट होता है उसमें मेंबर्स कितने होते हैं ऑल फ्रॉम द प्रिलियम्स परस्पेक्टिव लेकिन मेंस के परस्पेक्टिव से दो चीज़ें हमें जाननी है एक कि रोल क्या होता है कमिटीज का कितनी इंपॉर्टेंट है ये कमिटीज और दूसरा ये जानना है कि स्पेसिफिक क्वेश्चंस के अंदर हम पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की रिकमेंडेशन का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर जब हम बात करते हैं हमारी सेंट्रल आर्म फोर्सेस के बारे में तो उसके ऊपर एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स और उसकी रिपोर्ट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो उसने रिकमेंडेशन दी थी वैसे ही हेल्थ के ऊपर स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशन होती हैं अलग अलग आई की स्टैंडिंग कमेटी अलग है तो ये जो रिकमेंडेशन आती हैं ये भी आप मेन्स के आंसर में इस्तेमाल करोगे ये आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन हो जाएगा ठीक है तो स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स दोनों आस्पेक्ट हम कमेटीज के देखने जाते हैं इस आंसर के अंदर जो 2018 के अंदर पूछा गया था दे हैव आस्ट वाई डू यू थिंक कमिटीज आर कंसिडर्ड टू बी यूजफुल फॉर पार्लियामेंट्री वर्क डिस्कस इन द कॉन्टेक्सट ऑफ एस्टिमेट्स कमेटी तो एस्टिमेट्स कमेटी का बस एक कॉन्टेक्स्ट देना है आपको लेकिन मेनली आपसे पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में यहां सवाल पूछा गया है ऑल्सो मेरी यह कोशिश रहती है कि मैं जब भी आपको आंसर प्रोवाइड करूं मैं उन सोर्सेज से प्रोवाइड करूं जो आपके पास कॉमनली और इजीली अवेलेबल होते हैं एक आम कैंडिडेट के लिए कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी सोर्स मैं आपको जादू का नहीं बताने वाला हूं कि हाँ यहां से जादूगरी हो जाएगी और ये सोर्स से पढ़ोगे तो मेंस के अंदर आंसर लिख पाओगे क्यों कह रहा हूं ऐसा क्योंकि मेन्स के एग्जाम के अंदर मार्क्स कॉमन सोर्सेज से ही लिखे हुए आंसर से आते हैं ऐसा नहीं है कि कोई कुछ बहुत ही अतरंगी सी चीज़ लिख लेता है कोई बहुत ही एक्सेप्शनल चीज़ अलग से लिख देता है तो उसके आंसर आ जाते हैं आप टॉपर्स की आंसर कॉपीज भी देख सकते हैं तो उस हिसाब से आप समझिए कि बस एक प्रैक्टिस बनाने के लिए और स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको आना चाहिए ठीक है ऑल्सो आप मेरा फोर्टी एट डेज मेन्स का प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं जो टेंथ अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है और उसकी वैलिडिटी सेप्टेंबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तक है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा उसे ज्वाइन करें वहां पे मैं आपसे 48 एट क्वेश्चन एक के बाद एक डिस्कस करूंगा हर हफ्ते एक एक क्वेश्चन दिया जाएगा वो एक क्वेश्चन इवेल्युएट भी होगा प्रॉपर फीडबैक भी मिलेगा और आपके सारे डाउट्स उन सेशन्स के अंदर लिए जाएंगे तो एनरोल करने के लिए आप लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जा सकते हैं सॉरी चलिए आगे बढ़ते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इट इज़ एसेंशियल

हम उसका एक जनरल ऑब्जर्वेशन भी बता सकते हैं है, है ना अपने आंसर शीट में वैरायटी भी आप ले आके ला सकते हो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को एक ही तरीके से अप्रोच करना है कि इसके पास इसका डेटा मेरे पास नहीं है उसका डेटा मेरे पास नहीं है इंट्रोड्यूस करने के लिए डोंट गो मतलब बेलिस्टिक इन दिस है ना थोड़ा आराम से करना है काम ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में एक्सेप्शनल आपने इंट्रोडक्शन uh, लिखनी है तो ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस करते करते आपको और डेवलप हो जाएंगी पार्लियामेंट्री कमेटीज के अंदर आप अगर ये फ्लो चार्ट बना दोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा बहुत ही बढ़िया हो जाएगा क्योंकि आपको लिख के नहीं बताना पड़ेगा कि देर आर दीज मेनी कमेटीज दिस टाइप ऑफ कमेटीज तो अब फाइनेंशियल कमेटीज तीन होती हैं हम पढ़ते हैं ये बेसिक पॉलिटी की इंफॉर्मेशन है इसमें कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है अभी तक डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं चौबीस कमेटीज होती हैं सत्रह और सात हमें पता है ठीक है सॉरी uh, सोलह और आठ सोलह लोकसभा की आठ राज्यसभा की फिर हमें पता है एडहॉक कमिटीज होती हैं जो पर्टिकुलर टॉपिक्स पे बनाई जाती है जैसे सेलेक्ट कमेटी ऑन जीएसटी है ना पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर जो एडहॉक होती है टेम्पररी होती है एंड देन देर आर हाउस के कामकाज की जो कमिटीज होती है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी रूल्स कमेटी प्रिवलेज कमेटी ये अगर फ्लो चार्ट आप बना दोगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत ज़्यादा वर्ड्स लिखने की वर्ड्स बचाना है वर्ड्स को इकोनॉमिकली इस्तेमाल करना है पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की इंपॉर्टेंस पहले पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में पूछी गई है एस्टिमेट्स कमेटी की भी हम बात करेंगे लेकिन एक छोटी सी चीज़ जो जनरली लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे वो है चैलेंजेस फॉर द कमिटीज ये बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही इसलिए है न्यूज़ में क्योंकि कमिटीज का काम जो है हमने देखा है कि उसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं पिछले कुछ समय से और यही चीज़ अगर आप हाईलाइट नहीं करोगे अपने आंसर के अंदर तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है आप इसको ऐसे भी हाईलाइट कर सकते हो कि प्रॉब्लम्स ऑफ कमेटी अगर आपके पास स्पेस टाइम और वर्ड्स की कमी है तो आप चाहे इस फॉर्मेट में या चैलेंजेस जो है वो इस फॉर्मेट में नहीं लिखो इस तरीके से चार वर्टिसेस के चार कोनों पे चार फॉर प्रॉब्लम्स बता दो ठीक है उस पर बाद में आते हैं पहले देखते हैं कि बॉडी के अंदर क्या लिखना है हमने इंपॉर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी पार्लियामेंट की जो कमेटियां हैं उसकी क्या जरूरत है क्या विशेषताएं हैं क्या इंपॉर्टेंस है उसकी क्या जरूरत है पहली बात तो पब्लिक मनी फाइनेंशियल कमिटीज हमने देखी है तीनों और फाइनेंशियल कमिटीज़ के अंदर गार्डियनशिप ऑफ पब्लिक मनी का जो प्रिंसिपल होता है पार्लियामेंट क्यों हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि वो पब्लिक एक्सचेकर में से जो भी पैसा निकला जाता है उसकी स्क्रूटनी करता है अब जब बजट सेशन होता है तो हमें पता है कि बजट सेशन में फर्स्ट रीडिंग के बाद बजट सेशन में फर्स्ट रीडिंग के बाद जब ये बजट पेश कर दिया जाता है तो उसके बाद ये कहाँ चला जाता है कमिटीज के पास चला जाता है जो अलग अलग डिपार्टमेंट की कमिटीज होती हैं वो बजट को स्क्रूटनाइज करती हैं तो यहाँ पे हमें ये पता है और पोस्टमार्टम अगर करना होता है यानी कि कितना खर्चा कहाँ हुआ है किस तरीके से हुआ है स्क्रूटनी करनी होती है तो उसके लिए आपकी फाइनेंस कमिटीज है पब्लिक अकाउंट कमेटी एस्टिमेट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ये दोनों कमेटीज़ पब्लिक मनी की किस तरीके से यूज़ हो रहा है कहीं मिस तो नहीं हो रहा है ये ध्यान में रखती हैं और पार्लियामेंट जब आप देखोगे भी शुरुआत में जहां इंग्लैंड में जब भी पार्लियामेंट बनी थी या उसके बाद भी पार्लियामेंट इसलिए बनती थी ताकि गवर्नमेंट का जो एक्सचेकर का इस्तेमाल है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए पब्लिक के लिए हो रहा है या नहीं या किस तरीके से हो रहा है इसको चेक करने के लिए बनी थी तो ये एक बहुत बड़ा प्राइमरी फंक्शन है पार्लियामेंट का दूसरी चीज इंपॉर्टेंट बिल्स जो भी नए नए कानून आने हैं उसकी स्क्रूटनाइजेशन करता है फॉर एग्जाम्पल नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट जो आया 2019 में उसमें से उसने यू को जो है वो रिप्लेस करने के लिए सॉरी नॉट यू मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एम को रिप्लेस करने के लिए एक नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट बनाया था तो उस एक्ट के ज़रिए हमने काफ़ी चेंजेस लाए हमारे मेडिकल एजुकेशन के सेक्टर में लेकिन साथ ही साथ उसमें जो चेंजेस लाए गए नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट के अंदर जो चेंजेस लाए गए ना वो कमिटीज़ ने रिकमेंड किए थे फॉर एग्जाम्पल जो ब्रिज ब्रिज कोर्स वाला एक क्लॉज था वहां पर कि आयुष या आयुष आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स होंगे उनको ब्रिज कोर्स करा के हम मेडिकल डिग्री का सर्टिफिकेट दे देंगे वो उसके ऊपर जब बवाल हुआ बातचीत तो हुई कमिटी में उसके ऊपर विचार विमर्श किया गया डिसाइड किया गया कि उस क्लॉज को हटा दिया जाएगा कमिटी एंड गिव्स क्रूशियल इनपुट्स ऑफ अ लॉट ऑफ लॉज अगर आप एग्जाम्पल के साथ बताते हो यहां पे बहुत बढ़िया इफेक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर क्योंकि आप एग्जाम्पल के बिना बताते हो तो वो समझ तो रहा है कि आपको बात पता है लेकिन आप इसको इलस्ट्रेट नहीं कर पाते हो यू मे नॉट नीड टू बी आंसर आस्ड इन द क्वेश्चन टू इलस्ट्रेट जरूरी नहीं है कि वो हमेशा लिखे इलस्ट्रेट विद एग्जाम्पल लेकिन आप एग्जाम्पल दोगे ना तो एक ऐसा ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ ये बंदा जो है इसे पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है और उसी के इफेक्ट पे आंसर बना रहा है ऐसे रहा है टाए आंसर नहीं दे रहा तीसरी चीज कमिटीज में इंक्लूसिविटी होती है फॉर एग्जाम्पल पब्लिक अकाउंट कमेटी में हम कहते हैं कि यह कन्वेंशन बन गया है कि जो चेयरमैन होगा वो ऑपोजिशन पार्टीज का चेयरमैन होगा और यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से आती है काफ़ी कमिटीज में नॉट ऑल बट मेनी कमिटीज के अंदर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से कमिटीज बनती हैं जिसकी वजह से बहुत सारी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना पक्ष रख सकती हैं और यहाँ पे इंक्लूसिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है क्यों क्योंकि हर एक साल बाद जो मेम्बर्स है रोटेट होते हैं इसके एवरी वन ईयर द मेम्बर्स विल रोटेट मतलब नए मेंबर्स आते रहेंगे तो सभी को मौका मिलने वाला है अपने विचार विमर्श रखने का अपना इम्पैक्ट डालने का लॉ मेकिंग के ऊपर आपको पता है सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो लॉ मेकिंग के ऊपर एक एमपी डाल सकता है वो पार्लियामेंट के सेशंस के दौरान नहीं होता है वो पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग्स के दौरान होता है तो इसीलिए हमें ये याद रखना है कि जितनी ज्यादा इंक्लूसिव ये मीटिंग्स होंगी उतना ज्यादा हमारा लॉ भी इंक्लूसिव होगा चौथी चीज स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना पार्लियामेंट के जब सेशन चल रहे होते हैं तब तो आपको पता है क्या चल रहा होता है वहां पे बातचीत आरोप प्रत्यारोप जूते फेंकना कागज फाड़ना ये सब चलता है लेकिन मीटिंग के दौरान आप एक्चुअल में किसी ना किसी इशू को सीरियसली इन डेप्थ पढ़ते हो तो एग्जाम्पल के हम तौर पे हम कह सकते हैं कि जब सरोगेसी रेगुलेशन बिल आया था या सरोगेसी को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाना था जिसमें यह बताया गया था कि कमर्शियल सरोगेसी और अल्ट्रोस्टिक सरोगेसी में क्या क्या फ़र्क है तो उसमें बहुत सारे टेक्निकल और मेडिकल चीज़ें इन्वॉल्व थी और इसके लिए आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को कंसल्ट करते हैं और ये काम कौन करता है कंसल्टेशन का कमिटी ऑन हेल्थ एंड वेलफेयर कंसल्ट करती है बहुत सारी अब आप देखोगे यहाँ पे भी देखोगे और यूएस में देखोगे यूएस में जो कांग्रेस की कमिटीज होती हैं उनकी हियरिंग्स होती है आपने देखा होगा और वहाँ पे ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग जैसे मार्क जकरबर्ग वगैरह आते हैं सुंदर पिचाई साहब आते हैं और उनसे पूछताछ होती है वहाँ की कमेटीज़ जितनी पावरफुल अभी हमारी कमेटीज़ नहीं है लेकिन ऐसा होना चाहिए हम ये भी सजेस्ट करेंगे कि पार्लियामेंट्री कमेटीज़ एक ऐसा सिस्टम है जिससे आप कम लोगों के थ्रू सारे रिप्रेजेंटेटिव्स का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लेके एक मिनी पार्लियामेंट बना सकते हो और वो मिनी पार्लियामेंट ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस करेगी स्पेसिफिक इश्यूज का कितना अच्छा है ग्रेट मेन्यूवरिंग स्पेस ग्रेट मन्यूवरिंग स्पेस का मतलब टीवी में तो आपको न्यूज में आना है तो मैं जितनी बढ़िया स्पीच दूंगा जिसमें उस, जितने उसमें मुहावरे होंगे जितने उसमें चुटकुले होंगे जोक्स होंगे वो टीवी पे आएगा मेरी लोकप्रियता मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी है ना रील्स आएंगी फिर मेरी इंस्टाग्राम पे मेरी रील्स आएंगी कि अगर मैंने बहुत ही बढ़िया बात कह दिया पार्लियामेंट में शेर मार दिया है कोई है ना या कोई अतरंगी सी बात कर दी है तो मैं फ़ेमस हो जाऊंगा और पॉलिटिक्स के अंदर काफ़ी ज़रूरी होता है फेमस होना है ना वन बेसिक चीज़ है ही है जितना फेमस आप हैं उतना आपके लिए ज़्यादा चांसेस हैं लेकिन कमिटीज़ में सीरियस काम होना है तो कमिटीज़ के अंदर लोग जो हैं एम जो हैं अपनी पार्टी की रिक्वायरमेंट से अलग भी अपनी इंडिविजुअल सोच रख सकते हैं एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसीविजुअल इज ऑल्सो बैलेंस्ड बाई दलैक्टिव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो एक पार्लियमेंट्री कमिटी में यह जरूर देखने को मिलता है तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको बहुत बैक करना है आपने पार्लियमेंट्री कमिटीज को अब आते आते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दिस इज अ वेरी थ्योरेटिकल बिकॉज एस्टिमेट्स कमेटी कुछ खास एज सच कंट्रीब्यूट नहीं करती है लेकिन जो उसके फंक्शन है उसके थ्रू ही वो कंट्रीब्यूट कर देती है आपने जब लिखना है ना एस्टिमेट कमेटी के बारे में तो जो आपने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लिखनी है आंसर में वो आप साइड में ऐसे बॉक्स बना के पॉइंटर लगा के लिख देना रीजन बीइंग कि आपको ज्यादा एम्फोसिस देना है कि उसके फंक्शन फंक्शंस क्या है ठीक है एक कितने मेंबर होते हैं Uh, सारे लोकसभा से होते हैं एक साल की इसकी टर्म होती है uh, चेयरमैन जो होता है वो मिनिस्टर या मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं हो सकता अगर जो भी फैक्ट्स आपने बताने हैं ना वो फैक्ट्स एक बॉक्स में बता दो साइड में डोंट वेस्ट योर बड़ी वाला स्पेस फॉर टेलिंग दिस बिकॉज योर मेन फोकस शुड बी दैट इसका काम क्या है और इसका काम तो हमने एम लक्ष्मीकांत में पढ़ा हुआ है कि क्या है तो रिपोर्ट इकोनॉमीज इंप्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन एफिशंसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म सजेस्ट ऑल्टरनेटिव पॉलिसी एग्जाम इन वेदर मनी इज वेल लेड आउट सजेस्ट द फॉर्म इन विच एस्टिमेट्स शैल बी प्रिपेयर तो ये सारी चीज़ें इसके फंक्शन हैं इस एस्टिमेट्स कमेटी के काम हैं अब सिर्फ एस्टिमेट्स कमेटी ही नहीं बहुत सारी कमेटीज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं या चैलेंजेस हैं अगर हम अपने आंसर में चालीस वर्ड फोर्टी फोर्टी फाइव फिफ्टी वर्ड्स तक इस चीज़ को दे पाएँ तो ये बहुत ही बढ़िया और होलिस्टिक आंसर बन जाएगा रीजन बींग कि आप एक तरह से समझ पाओगे नब्स की क्या है क्वेश्चन की कि वो जनरली जो थीम चल रही है हमारे कमिटीज़ uh, के बारे में पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में वो ये है कि अखबार में ढेरों आर्टिकल छप रहे हैं जिसके अंदर कमिटीज़ को किस तरीके से रूल फंक्शन करना चाहिए वो भी आता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स कमिटीज फेस करती है वो भी आता है तो जो हमारे दिग्गज लोग जो हमारा यूपीएससी का पेपर बना रहे हैं वो जब सोचते हैं कमिटीज़ के बारे में तो वो किसी मीडिया प्रिंट मीडिया के अंदर जो अच्छे अच्छे रिनाउंड आर्टिकल्स आते हैं उन्हीं के उन्हीं के साथ उनकी सोच डेवलप होती है तो आप भी इस तरीके से थोड़ी चीजें बताएंगे यहां पे। चाहे आप शॉर्ट में ही बताओ डोंट यूज लॉन्ग सेंटेंसेस, बट यू विल टेल कि हाँ मार्जिनलाइजेशन मार्जिनलाइजेशन का मतलब है कि कमेटी का रोल कम होता जा रहा है तो फोर्टींथ लोकसभा में सिक्सटी बिल्स थे वो गए थे कमेटीज के पास थ लोकसभा में सेवेंटी वन परसेंट बिल गए थे 16th तो, तो, तो राज्यसभा सेक्रेटेरिएट एक्स राज्यसभा चेयरमैन श्री वेंकैया नायडू बहुत बार कह चुके हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटीज की मीटिंग में क्यों अटेंडेंस कम है तो अटेंडेंस शॉर्टेज देख रहे हो है ना कॉलेजेस में तो 75 परसेंट अटेंडेंस है यहां पे 46 परसेंट से भी कम है अच्छा आप लोग पी पे जाएंगे ना अगर पार्लियामेंट्री रिसर्च की जो वेबसाइट है वहां पे आप अपने एम या एम की एम की अटेंडेंस देख सकते हैं तो जरूर अपने क्षेत्र के एम की अटेंडेंस देखना वहां पे जाके ठीक है PRS वेबसाइट का नाम है PRS.org आर एस डॉट वहाँ पे जाके देख सकते हो और आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके की अटेंडेंस मीटिंग्स नॉट इन मीटिंग्स आल्सो बट इवन इन द पार्लियामेंट कैसी चल रही है है ना तो आपको स्कूल्स uh, कॉलेजेस में कितना अटेंडेंस के लिए बोला जाता था यहाँ पे अटेंडेंस की जो थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है दैट इज़ अ बिग इशू इवन इन द कमिटीज तो अटेंडेंस शॉर्ट होगी तो फिर कैसे कमेटी फंक्शन करेगी आप देख सकते हैं शॉर्टर टर्म ऑफ वन ईयर लीव्स लेस टाइम फॉर एम टू गेट इन्वॉल्व हर एक की एक एक साल टर्म होती है कमिटीज की तो जब तक बंदे को समझ आता है मीटिंग दो तीन मीटिंग में कि क्या चीज़ चल रही है क्या डिस्कशन चल रही है उसका जो टर्म होता है ख़त्म हो जाता है नए बंदे आ जाते हैं कमेटी कमिट, में तो शायद इस टर्म को बढ़ाया जा, जाए तो बेहतर दो साल कर दिया जाए ऐसे या ढाई ढाई साल की दो कमेटीज़ बनाई जाए पाँच साल के अंदर हो सकता है पार्टीजनशिप है स्क्रेप्टन टू कमिटीज है ना जो चेयरमैन अगर एक एक्स पार्टी का है तो जो उस एक्स पार्टी का स्टैंड होगा उसी को वो फोर्स करेगा है ना हमने कई कमिटीज़ में देखते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज में ये सब होता है कि अगर रूलिंग पार्टी का चेयरमैन है बिकॉज नॉट ऑल कमिटीज़ है ऑपोजिशन पार्टीज़ एज चेयरमैन तो रूलिंग पार्टी का जो चेयरमैन है वो वहां पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बोल करते हैं जो बाक़ी मेंबर्स को पसंद नहीं आती है तो एक कंसेंसस uh, बिल्डिंग जो हमने होना चाहिए था प्रैक्टिस वो पार्टीजनशिप में बदल रहा है और ये एक बहुत बड़ा तनाव है हमारी कमिटीज़ के लिए तो ओवरऑल हम क्या बोलेंगे एंड में हमने खत्म करना है कम वर्ड्स में खत्म करना है तो हम एंड में क्या बोलेंगे कि ओवरकम चैलेंजेस अ री लुक इन टू टर्म पावर्स ऑफ द कमेटी पावर्स ऑफ द कमेटी मतलब एक और प्रॉब्लम है कि इनकी रिकमेंडेशन रिकमेंडेटरी ही पावर होती हैं तो अब इनकी रिकमेंडेशन मानना या ना मानना ये तो बाद की बात होती है है ना तो कुछ कमेटीज ऐसी बना दी जाएं जिनकी रिकमेंडेशंस बाइंडिंग हो ऐसा भी हो सकता है नॉट ऑल कमेटीज बट सम समीज तो पावर ऑफ़ द कमेटीज फिक्सिंग ऑफ मिनिमम परसेंटेज ऑफ बिल्स टू बी रेफर टू कमेटी कि अगर 100 बिल आते हैं तो उसमें से 50 बिल जाने ही जाने चाहिए कमेटी में ऐसा कोई अगर कानून बना दिया जाए या रूल बना दिया जाए तो हमारी पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी जो है वो स्ट्रेंदन हो जाएगी या मिनिस्टीरियल अकाउंटेबिलिटी भी लिख सकते हो ठीक है मिनिस्टीरियल अकाउंटेबिलिटी भी लिख सकते हो वो स्ट्रेंदन हो जाएगी और वो किसी भी डेमोक्रेसी में एक डिजायरेबल रिजल्ट होगा तो इस तरीके से आप अपने आंसर को यहां कंक्लूड कर सकते हैं आज के सेशन में इतना ही अगले सेशन में आपसे मिलता हूं धन्यवाद